चैनल। सो कैसे है आप लोग? ईद का ब्लॉग आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, पर ईद में मुझे क्या गिफ्ट रिसीव हुआ, क्या ईदी मिला, ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो ईद में मुझे बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट रिसीव हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ब्लेस्ड हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह। सो ईद में मुझे आईफोन 50 प्रो मैक्स गिफ्ट में मिला है एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। और आईफोन 50 प्रो मैक्स इतना खूबसूरत और इतना लाइट वेट है कि मुझे तो पहले ही उठाते हुए एक ही चीज़ दिमाग में आया कि मेरा वीडियो बनाने में अब बहुत ज़्यादा हेल्प होगा और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो क्वालिटी कैसा रहता है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। अनबॉक्सिंग तो मैंने पहले ही कर लिया था क्योंकि मुझे कवर लगाना था, मुझे ग्लास लगाना था और मुझे कैमरे में भी ग्लास लगाना था प्रोटेक्ट के लिए। और मुझे जो रिंग डायमंड जैसे, मतलब छोटा छोटा जो स्टोन वाला जो रिंग मिलता है ये मुझे लगाना था, तो इस बार मैंने लगा लिया है। कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड मैंने कस्टमाइज़ भी किया है फ़ोन केस में समरीन। सो यस गाइस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कैमरा क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छा है माशा अल्लाह एंड मेरा भी यूट्यूब का वीडियो में कैमरा क्वालिटी और ज़्यादा इम्प्रूव दिखने मिलेगा और ज़्यादा स्मूथ दिखने मिलेगा। वो कैसा लग रहा है ये फीडबैक तो आप ही लोग मुझे दोगे, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर मुझे बताओगे कि कैसा आप लोगों को दिखने में लग रहा है ताकि मुझे पता चले। अभी तो 2-4 दिन मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा बिज़ी चल रही हूँ, वेकेशन मूड में चल रही हूँ, बाद में इसको मैं यूज़ करूँगी। और ये जो बिल है इसको मैं रख दूँ तो ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। एंड आप लोगों को मेरा ईद का गिफ्ट कैसा लगा गाइस, ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है, मुझे खुशी हुई तो आप लोगों को भी खुशी हुई होगी ये तो मुझे पता ही है। पर साथ ही साथ में थोड़ा बहुत कैश भी मिला था जो सबको ही मिलता है। सो अभी मैं सुबह सुबह में ज़्यादा ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तरबूज खाने के बाद मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ मेरा पेट के साथ वेकेशन में। यस गाइस, मैं अपना डोगू और अपना कैट के साथ जा रही हूँ वेकेशन में 5-स्टार प्रॉपर्टी में, ताकि मैं खुद घूम सकूं और मैं अपना पेट को भी घुमा सकूं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ना दोनों बच्चों को मैं साथ में लेके जाऊं। और ये रहा मेरा बिल्ला, इसको मैं बैग में डाल लूँगी, ये रेडी हो गया है और अब हम लोग चलते हैं वेकेशन में, बहुत मस्ती होने वाली है। गाइस, मैं आ गई हूँ अपना लोकेशन में, मैं आई हूँ कोलकाता का बेस्ट पेट फ्रेंडली 5-स्टार होटल हयात। और यहाँ का व्यू और यहाँ का होटल स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छा है। और टाइसन को देख रहे हो, आते ही एकदम पूरा सेलिब्रिटी बन चुका है, हर कोई इसके साथ फ़ोटो ले रहा है, सब कोई बोल रहा है इधर आओ उधर आओ। और टाइसन मेरा बहुत अच्छा डोगू है, बहुत ही फ्रेंडली है क्योंकि इसको मैंने बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, तो ये हर एक चीज़ सुनता भी है। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत ज़्यादा स्वीट था और टाइसन के साथ सब कोई रील्स बना रहा था, फ़ोटो ले रहा था एंड मेरा परमिशन ऑफ कोर्स लिया, तो मैंने बोला वो के ले लो। एंड यहाँ के जो सारे लोग भी आए थे गेस्ट, वो भी टाइसन को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था। अब चलते हैं ऊपर अपने रूम में, देखते हैं कि रूम कैसा है, आप लोगों को भी मैं रूम दिखाती हूँ। सो गाइस, रूम पे आ चुकी हूँ और मेरे साथ साथ टाइसन भी कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, तो चलो अब देते हैं आपको रूम टूर। तो ये रहा वॉशरूम, वॉशरूम बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत बिग था, तो चलो सही है, वॉशरूम अगर अच्छा रहता है ना तो सॉर्टेड रहता है। एंड यहाँ पे जो बेसिन था ये भी बहुत यूज था, तो मैं अभी अपना जो मेकअप है, स्किन केयर है, यहाँ पे सारे चीज़ सेट कर लूँगी। और ये रहा रूम, कितना बड़ा था, बहुत अच्छा था। वहाँ पे टेबल पे मैंने टॉम बाबू को रखा है, अभी वो थोड़ा सा डरा हुआ है क्योंकि बाहर आते ही थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि कैट लोग थोड़ा सा ऐसे ही होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको नॉर्मल होने में। और टाइसन मेरा बहुत एक्साइटेड था।
और यहाँ का व्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बाहर का व्यू भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अभी तो थोड़ा धूप है, दोपहर का टाइम है, बट शाम के टाइम पे यहाँ पे फुटबॉल प्रैक्टिस होता है। सो आई होप मैं देख सकूँ, और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कैमरे में उतना कैप्चर हुआ कि नहीं पता नहीं है, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अभी मैं टॉम बाबू को थोड़ा सा कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा प्यार कर रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। बाहर आता है तो वो थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि कैट घर पे ही कंफर्टेबल रहता है, अपने प्लेस पे ही। और यहाँ पे फ्रिज है, फ्रिज में मैं दही रख दूँगी। मेरा बैग तो अभी तक रूम पे दिया नहीं, वो लोग देगा तो मैं रख दूँगी, क्योंकि टाइसन का खाने का मैं लेके आई हूँ अपने साथ, और मैं दही भी लेके आई हूँ। बट यहाँ पे था कॉफ़ी बनाने के लिए मग, पानी, सब कुछ था। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत तो टाइम तो अभी है, शुगर फ्री भी मुझे मिल गया है, तो चलो क्यों ना अपने लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाया जाए। आजकल हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि मी टाइम क्या होता है वो तो पता ही नहीं होता है, या फिर ऐसा लगता है मी टाइम घर पे थोड़ा सा बैठ के रहूँ तो मी टाइम हो गया, पर नहीं। कभी कभी खुद के लिए टाइम निकल के एक छोटा सा एक दिन का ही सेव वेकेशन में जाओ, घूमो, बाहर का दुनिया देखो, अपने आप को टाइम दो। और उस टाइम फ़ोन मत यूज़ करना, सोचो, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेगा, अच्छा लगेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ सेल्फ लव। सेल्फ लव मतलब सिर्फ स्किन केयर करना नहीं होता, सेल्फ लव खुद को प्यार करना होता है इंटरनली, हर एक चीज़ के लिए। खुद का खुशी किस में है ये हमें पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइज, अभी रूम सर्विस आया था और ये लोग कितना ज़्यादा क्यूट है, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसलिए मैं शूट कर रही हूँ। ये लोग मुझे गद्दा देके गया है ताकि मेरा टाइसन नीचे बैठे तो इसको ठंडा ना लगे। कितना ज़्यादा स्वीट है, कितना ज़्यादा केयरिंग है, पेट फ्रेंडली। अगर 5-स्टार होटल हो तो हयात जैसा हो, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे देखो मेरा टॉम बाबू अभी कंफर्टेबल हो गया है, और अभी इधर उधर अच्छे से देख रहा है कि मम्मा कहाँ पे लेके आए। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जब मेरा कैट और डॉग भी वो सारे चीज़ें करते हैं। वो सारे खुशियाँ भी उन लोगों को मैं देती हूँ जो मैं खुद अपने लाइफ में करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा फैमिली, मेरा डॉग और कैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग ही के साथ मैं 24/7 रहती हूँ। जब मैं थक हार के जब मैं घर आती हूँ काम से, जब मैं अपना टॉम को देखती हूँ, टाइसन को देखती हूँ, मेरा सारा थकावट दूर हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आप लोगों को पता है मेरे लाइफ में जब डॉग और कैट कुछ नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी एक टाइम पे, पर अभी मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी पर्सन हूँ, मुझे डिप्रेशन का टाइम ही नहीं मिलता है। हाँ, कभी कभी काम के वजह से हो जाता है, पर उतना भी ज़्यादा नहीं। मेरा लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड मेरा जो डॉग है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। किस किस रीज़न, क्या रीज़न था कि मैं उसको घर लेके आई, कभी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं वीडियो पर शेयर करूँगी। आप लोग खुद हैरान रह जाओगे कि एक डॉग इंसान से कम नहीं है, सिर्फ ये लोग बेजुबान है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आपके लिए ये लोग अपना जान भी दे देते हैं। एक जानवर आपको जितना प्यार कर सकते हैं, आपको ट्रस्ट मी कोई इंसान नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों का प्यार है अनकंडीशनल। और मेरा कप अभी भी भरा हुआ है, क्योंकि मेरा कॉफ़ी ख़त्म नहीं हुआ था, रूम सर्विस आ गया था, तो अभी मैं अपना व्यू को इंजॉय कर रही हूँ। और ये रहा मेरा बैग, फाइनली आ गया है, तो अब मैं झटपट से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि हम लोगों को नीचे जाना है। फर्स्ट मैं अपना स्किन केयर और अपने मेकअप को पहले सेट कर लेती हूँ, ताकि मेरा पूरा सॉर्टेड रहे। एंड अब मैं करूँगी अपना मेकअप। वैसे मैं सनस्क्रीन लगा के आई थी, तो पहले मैं रीअप्लाई सनस्क्रीन कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत मेकअप करूँगी।
और मैंने अपना खाने का भी ऑर्डर दिया था, तो बिरयानी आ चुका है, पर अभी खाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। तो पहले मैं नीचे जाऊँगी, उसके बाद आके बिरयानी खाऊँगी। लाइट मेकअप मैंने किया है, थोड़ा ब्लश ऑन लगा है, कंसीलर से मैंने बेस सेट कर लिया, उसके बाद मैंने मस्कारा अप्लाई किया है, बस इतना ही कर लिया है काफ़ी, और आईब्रो को सेट कर लिया है। और मैं ये न्यू लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये के ब्यूटी का लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छा है, न्यूड शेड है और ब्राउन डस्की स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट है। सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। सो गाइज, आप चलते हैं नीचे और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पूरा प्रॉपर्टी। और यहाँ का जो हेड जो शेफ है वो टाइसन को लेके नीचे घूमने गया है, क्योंकि मुझे बोला कि मैम आप घूम लीजिए, मैं टाइसन को लेके थोड़ा सा घूमता हूँ, क्योंकि टाइसन ना सबका फेवरेट बन चुका है। और मेरा टॉम बाबू सो रहा था तो मैं उसको रूम पर ही छोड़ आई। और ये रहा नीचे से शुरू हो रहा है प्रॉपर्टी, बहुत ही प्यारा प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा बिग है एंड बहुत अच्छे से डेकोरेट भी किया है। और सबसे अच्छा मुझे वो सारे चीज़ लगता है, प्रॉपर्टी अच्छा लगता है जिसमें ग्रीन ग्रीन फ्लावर हो, मुझे नेचर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लव इट। सो मैं घूम घूम के देख रही हूँ कि कहाँ पे क्या है नहीं है, और टाइसन को मैं हाथ में लेने की कोशिश करूँ, मेरे पास आ ही नहीं रहा, तो फाइनली आ गया है। और अभी भी वो सुकून में नहीं है, उसको घूमना है दौड़ना है, तो मैंने चला सोचा कि चलो ठीक है उसको घुमाती हूँ, क्योंकि घर में फ्लैट में रहता है उतना प्लेस नहीं होता है, यहाँ पे बड़ा ग्राउंड देखा, ग्रीन ग्रीन घास देख रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुश है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ टाइसन को खुश देख के, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती हूँ कि टाइसन और टॉम दोनों अच्छे से रहे, खुश रहे, और जहाँ पे घास दिखेगा वहाँ पे सुसू ना करे, ऐसा हो नहीं सकता है। यहाँ का जो स्टाफ है वो मुझे बोल रहा है, मैम कोई बात नहीं है, उसको जो करना है वो करे, आप अच्छे से घूम लीजिए, हम लोग टेक केयर टाइसन को कर लेंगे। बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है और बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, टाइसन को तो अच्छा लगा ही। टाइसन को ना स्विमिंग पूल में जाना है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे उसको बुला रहे हैं, तो उसको जाना है, इसलिए वो भौंक भी रहा था, पर मैं उसको जाने नहीं दे सकती क्योंकि स्विमिंग पूल में डॉग अलाउ नहीं है। सो मैंने जितना घूमना था मैंने घूम लिया, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और मेरा बिरयानी भी कब से रखा हुआ है ठंडा ना हो जाए, तो अब मैं ऊपर जाती हूँ ताकि मैं थोड़ा बहुत कुछ खा लूँ, पर टाइसन को जाना नहीं है, पर ऊपर आते ही ना थक गया है, इसलिए मैं ना 2 फ्लोर में थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ ताकि इसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। करने के बाद टाइसन को थोड़ा सा जोश आ गया, तो अब चलते हैं रूम पे क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, और यहाँ पे मैच भी हो रहा है। सो मेरा तो दिन बन गया है कि मैं खाते खाते मैच भी दिखूँ, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं लाइव मैच देखूँगी। गाइस, क्या आप लोगों को फुटबॉल का मैच देखना पसंद है? बताना तो किस किस को पसंद है। और मैं इस व्यू के साथ बिरयानी इंजॉय करूँ सोने पे सुहागा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, टीवी में जो देख रही थी वो सामने से देख रही हूँ, तो अच्छी बात है ना।
मैं खाना खाने के बाद 1.5 घंटा सो गई थी, अभी शाम हो चुकी है और मैं जा रही हूँ स्विमिंग करने, बट मेरे पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम है नहीं और स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना पब्लिक में मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, तो मैंने अपना जिम आउटफिट पहन लिया है। और शाम का मौसम तो और ज़्यादा अच्छा है, कितना अच्छा व्यू नज़र आ रहा है, कितना अच्छा लाइट नज़र आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अभी स्विमिंग करने के लिए, बट मुझे उतना अच्छे से स्विमिंग तो आता नहीं है, तो देखते हैं मैं क्या क्या करती हूँ। प्रॉपर्टी तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और यहाँ पे टेनिस का भी यहाँ पे एरिया है, जो चाहे यहाँ पे वो खेल सकता है। और एक बहुत क्यूट सा गार्डन है, वहाँ से पूरा व्यू और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं वहाँ पे भी थोड़ा मस्ती कर रही थी क्योंकि दिल तो बच्चा है। और ये रहा पानी, मैं गई छपक, बट सीरियसली गाइस मुझे बहुत अच्छे से स्विमिंग अभी नहीं आता है। बचपन में तो मैं तालाब में स्विमिंग भी किया है, बचपन में मैं तो बहुत ज़्यादा नॉटी थी, अभी भी हूँ बट उतना नहीं हूँ, अभी थोड़ा सा बड़ी हो गई हूँ ना, थोड़ा सा सुधर गई हूँ। स्विमिंग पूल में कोई बंदा नहीं था, कोई बंदी नहीं था, मैं अकेली थी। मैंने खुद पे ही बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील किया, टेंशन एकदम से फ्री हो गई और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। एक होता है ना इनर हैप्पीनेस, वो मुझे आज फील हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। रूम पे आके अच्छे से मैंने नहा लिया है, अभी मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। स्विमिंग पूल का जो पानी रहता है थोड़ा सा केमिकल रहता है और इतना सारा लोग वहाँ का पानी को यूज़ करते हैं, तो कोशिश करो कि रूम पे आने के बाद अच्छे से आप शावर ले सको, ताकि जो भी केमिकल है वो रिमूव हो जाए। ऑयल लेके आई थी क्योंकि मैं वैसलीन लाना भूल गई थी, तो बॉडी में और अपने होंठ में मैंने अप्लाई कर लिया और मॉइस्चराइजर लगा लिया। दैट्स इट, मेरा नाइट का स्किन केयर रूटीन इतना ही हो गया। अब मैं फिर से कपड़ा पहन लिया, सुबह का ही कपड़ा, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा मैंने कैरी नहीं किया था। अब मैं डिनर के लिए नीचे आ गई हूँ और आज है पहला बैसाख, मतलब बंगाली में फर्स्ट ईयर है, मतलब न्यू ईयर है, तो आज उस हिसाब से हर एक मेनू बना है और बहुत ही यम यम खाना बना है, तो देखते हैं क्या क्या है और खाते भी हैं। बहुत कुछ अच्छा लगता है और दिखने में भी अच्छा लगता है, पर सब कुछ तो नहीं खा सकते, तो यहाँ पे मैं बासंती पुलाव और दो सब्जी था वो मैंने खाया। और यहाँ पे लॉबी में मैं थोड़ा बैठ गई, पर मेरा ना सर घूम रहा था, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद एक महीना पूरा रोज़ा रखा तो शायद थोड़ा बहुत कमज़ोरी आ गया होगा, इसलिए मैं थोड़ा रुक के वो भी ऊपर जाऊँगी। और ऊपर आते ही मैंने टाइसन का खाना रेडी करना शुरू किया, गर्म पानी के साथ डॉग फूड को मैं 1 घंटा भिगो के छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं दही मिक्स करके उसको खिला दूँगी। टाइसन खुद से नहीं खाता है, उसको मुझे खिलाना पड़ता है, क्योंकि वो जब छोटा था थोड़ा सा बीमार था, उसके बाद खाना एकदम से बंद कर दिया था, तो मैं अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा खिलाती थी। उसके बाद क्या हुआ, उसको ना आदत पड़ गई है मेरे हाथ से ही खाने का, तो लाड साहब को मेरे को ही खिलाना पड़ता है, जब तक मैं नहीं खिलाऊंगी वो खाएगा नहीं। पर बैठा कैसे है, पूरा राजा के तरह, और बहुत प्यारा बच्चा है,
आराम से बहुत झट से खा लेता है। सो खाना पीना सब का डन हो गया है, मेरा जो कैट है वो भी खा लिया है, पर वो पर्दे के पीछे शायद छुप गया है। तो मेरा डोगू यहाँ पे सोएगा, मैं बेड पे हूँ और मेरा जो कैट है वो पर्दे के पीछे पता नहीं क्या कर रहा है, वो भी वहाँ पे सोएगा या फिर थोड़ा देर बाद बेड पे आ जाएगा। सो अभी सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग डे हो चुकी है और मैंने बहुत अच्छे से अपना नींद को पूरा किया, बहुत अच्छे से नींद भी आया और अभी बाहर का व्यू देख रहे तो बहुत ज़्यादा अच्छे है, पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और मेरा टॉम बाबू को देखो, वो तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं बाहर का व्यू को, और पता नहीं धूप भी शायद सेक रहा होगा। तो मैं तो उठ चुकी हूँ ब्रेकफास्ट के लिए क्योंकि मुझे कॉल आया था। अभी मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और मैं सिर्फ सनस्क्रीन अप्लाई करूँगी, उसके बाद नीचे चली जाऊँगी क्योंकि सनस्क्रीन अप्लाई करना तो बनता है, बहुत ज़्यादा धूप है। बस हो चुकी हूँ मैं रेडी नीचे ब्रेकफास्ट के लिए। और आप लोग एक बात बताऊँ, मुझे ना भूख भी बहुत ज़्यादा लगा है, तो चलो जाके देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। मुझे हमेशा बड़े होटल में एक ही चीज़ अच्छा लगता है, वो है बूफे। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इतना ज़्यादा वैरायटीज़ खाना रहता है तो आँखों को देखने में अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन से सबको देख रही हूँ कि क्या क्या खाने में है, पर घूम फिर के मुझे तो एक से दो चीज़ ही खाना होता है, चाहे घर हो बाहर हो। और वो क्या है मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि वो मेरा कम्फर्ट फूड है इसीलिए। तो यहाँ से मैंने सब कुछ देख लिया और मैंने अपने लिए प्लेट रेडी किया, वो है पाइनएप्पल लिया और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे वाटरमेलन लिया फर्स्ट मील। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि अब मैं क्या लूँगी। यहाँ पे बेकरी में देखा तो यहाँ पे सब चीज़ स्वीट स्वीट था, जो सुबह सुबह खाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मुझे सुबह सुबह स्वीट एकदम पसंद नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लेन डोसा लिया, मसाला डोसा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। और साथ ही में मैंने एक एप्पल और पाइनएप्पल पैक कर लिया ताकि मैं बाद में रूम पे जाके खा सकूं। और रूम में आने के बाद मुझे टाइसन को लेके नीचे आना पड़ा क्योंकि सुबह हो चुकी है, थोड़ा सा लेट भी हो चुका है, तो टाइसन को भी वॉशरूम वगैरह भी जाना होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लेके आ गई हूँ गार्डन में। थोड़ा सा यहाँ पे वो खेल रहा है तो मैंने उसको छोड़ दिया कि ताकि थोड़ा सा वो खेल ले, क्योंकि घर पे जाके फिर वही फ्लैट में रहना होता है और एनिमल्स है तो बाहर बिग जगह देखता है तो खुश हो जाता है। तो मैंने बोला चल बेटा जी ले अपना जिंदगी, खेल ले तू। सो गाइज, रूम पे आके थोड़ा सा मैंने रेस्ट कर लिया है, मैंने पैकिंग भी ऑलमोस्ट कर लिया है, थोड़ा बहुत बाकी है। टाइसन को भी रेडी कर लिया, उसको भी ब्रेकफास्ट करा दिया, पानी पिला दिया, वो पूरा एकदम रेडी है। टॉम बाबू भी मेरा रेडी है और मैं भी ब्रेकफास्ट कर किया तो है, उसके बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया है। और मैं ड्रेस नहीं चेंज करूँगी, मैं नाइट सूट ही पहन के जाऊँगी क्योंकि अब मैं मदर वाला ड्यूटी निभाऊंगी। क्योंकि देखो, अपने पर्स के साथ साथ मैंने अपने टॉम बाबू को भी ले लिया। आप अगर पेट पेरेंट्स हो ना, आपके ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है क्योंकि ये बेजुबान है और इसका ध्यान बहुत अच्छे से रखना होता है, खुद के बच्चे से भी ज़्यादा, क्योंकि वो खुद कुछ बोल नहीं सकता है, तो हर एक चीज़ बहुत ही केयरफुली करना होता है, तो अपना चीज़ थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना होता है। बट इज़ ओके, मैं खुश हूँ इस वेकेशन से, मैंने खुद इंजॉय किया होटल में, हर एक कोई मेरा टॉम और टाइसन को भी बहुत ज़्यादा प्यार किया। तो ये रहा मेरा स्मॉल सा वेकेशन विथ माई पेट्स। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी मेरा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी खुश रहिए, अच्छे से रहिए, वेकेशन बनाइए और मिलते हैं फिर। बाय।